मधुपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र की चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। थाना क्षेत्र के 52 बीघा स्थित रेलवे पटरी के निकट झाड़ियों के पास से पुलिस ने पॉलिटेक्निक के छात्र सनोज कुमार का शव बीते शनिवार शाम को बरामद किया। सनोज के शरीर में कई जगह चाकू के निशान पाए गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए देवघर भेज दिया गया है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे सनोज अपने घर से पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए निकला था। दोपहर बाद से ही उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कई बार फोन लगाने पर संपर्क नहीं हो पाया। खोजबीन करने पर पता चला कि सनोज अपने दोस्त शुभम के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं निकला है। परिजनों ने सनोज के दोस्तों पर ही हत्या की आशंका जताई है। इधर पुलिस शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। घटना किस कारण से हुई, हत्या में कौन कौन शामिल है, इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस शुभम के दोस्तों और अन्य से पूछताछ कर रही है। पुलिस इस मामले में हर तरह के एंगल से छानबीन कर रही है।